बड़ी खबर आज से धार की भोजशाला का ईएसआई सर्वे होगा। भोजशाला पहुंची ईएसआई की टीम में करीब 15 सदस्य मौजूद हैं। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने दरअसल सर्वे का आदेश दिया गया था, तो भोजशाला में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष। जी बिल्कुल, देखिए भोजशाला का जो है सर्वे आज से शुरू होने जा रहा है और सभी जो टीम है एएसआई की वो भोजशाला पहुंच चुकी है। कल देर रात ही जो है टीमें पहुंच गई थी और आज सुबह 6 बजे जो है टीम भोजशाला के परिसर में पहुंची है। मजदूरों को लेकर के अंदर जो है सर्वे किया जा रहा है। टीम को ये काम सौंपा गया था जो तमाम तकनीकें होती है कार्बन डेंटिंग के साथ साथ जीपीए और जीपीआर, इन तकनीकों की मदद से जो है सर्वे किया जाएगा। भोजशाला परिसर के जो 50 मीटर तक का दायरा है, कोर्ट ने आदेश दिया है कि यहां का पूरा सर्वे होना चाहिए। इसकी पूरी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी होगी और इस पूरी रिपोर्ट के आधार रिपोर्ट बनाकर जो है इसे हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा अगली सुनवाई के दौरान। 6 हफ्ते का समय दिया गया है एएसआई की 5 सदस्यीय टीम को। सुबह से ही धार में अगर हम बात करें तो कड़ी सुरक्षा के बीच में जो है सर्वे का काम किया जा रहा है। न सिर्फ भोजशाला परिसर बल्कि पूरे शहर में ही जो है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। आईएसआईपीएस अधिकारियों के साथ ही करीब 175 से ज्यादा पुलिस कर्मियों का जो अमला है वो पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था को और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को संभाले हुए है। टीम अंदर अपना काम कर रही है। अंदर किसी के भी मोबाइल को अलाउट नहीं किया गया है। बहुत ही सावधानी के साथ जो है पूरा काम किया जा रहा है क्योंकि काफी संवेदनशील मामला है ये और लगातार इस पर हम देख रहे थे कि मई 2022 में जब ये केस हाईकोर्ट में पहुंचा था सुनवाई की जा रही थी और इंदौर हाईकोर्ट की बेंच ने जो हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने जो है आदेश दिया है पूरा सर्वे करने का और अगली सुनवाई में इस रिपोर्ट को पेश करने का। तमाम तरह की तकनीकों के आधार पर सर्वे का काम जो है शुरू हो गया है और ये काम लगातार चलेगा। अलग अलग जो भी तकनीकें होती हैं उनसे जांच की जाएगी। जो पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञ वहां पर मौजूद हैं वो इस बात की जांच करेंगे कि भोजशाला मंदिर का जो भवन है, यहां पर लगी हुई जो संरचनाएं हैं, यहां का जो आर्किटेक्ट है वो कितना साल पुराना है। कार्बन डेटिंग की मदद से जो है ये बात जानी जाएगी और भी जो दूसरी तकनीकें होती है उनकी मदद से पूरा काम किया जाएगा। जो मजदूर यहां पर पहुंचे हैं उनकी भी पूरी जो है जांच की गई और उसके बाद ही उन्हें जो है अंदर जाने दिया गया है। नीलम, ये भी बताइए, चूंकि हिंदू पक्ष अपना अपना दावा कर रहा है, मुस्लिम पक्ष भी अपना दावा इस पर कर रहा है, तो क्या उनमें से भी क्या कोई मौजूद इसमें रह सकता है जब सर्वे होगा उस दौरान? जी बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा मामला हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष का जो चल रहा है, हालांकि जो सर्वे की टीम अंदर गई है उसमें सिर्फ एएसआई के ही सदस्य है क्योंकि ये काफी संवेदनशील मामला है और दोनों पक्ष के किसी भी दूसरे सदस्यों को यहां पर जो है अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। सिर्फ एएसआई के सदस्य और कुछ मजदूर जो है वहां पर मौजूद हैं जो सर्वे का काम कर रहे हैं क्योंकि ये पूरा काम जो है बहुत ही सावधानी से किया जाना है और साइंटिफिक तकनीकों के जरिए किया जाना है। ऐसे में किसी भी तरह का जो है यहां पर गड़बड़ी ना हो, किसी तरह की लापरवाही ना हो, इस बात का खासा ध्यान रखा जा रहा है और एएसआई की टीम जो है उनके ही सदस्य अंदर मौजूद है और सर्वे का काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल, तो यानी कि 6 हफ्ते के बाद जो रिपोर्ट है वो टीम को सौंपनी होगी, तब तक सर्वे होगा। आप बने रहिए नीलम। मध्य प्रदेश की 15 सीटों पर कांग्रेस के नाम तय हो चुके हैं। आज कांग्रेस की लिस्ट आ सकती है। बता दें कि गुना से अरुण यादव लड़ेंगे चुनाव, सूत्रों के हवाले